और अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर मंडी हाउस में जामिया मिल्ला के छात्रों का मार्च इस वक्त चल रहा है। हालांकि धारा 144 मंडी हाउस में लगी हुई है। संसद मार्ग इलाके में ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। मंडी हाउस से अमित शाह की आवाज तक जामिया के छात्रों का ये मार्च होना था। मंडी हाउस में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। तो संविधान बचाओ देश बचाओ के कुछ ऐसे पोस्टर्स हाथों में लिए हुए जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं का मार्च, प्रोटेस्ट विरोध कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ रहा है कि अब वो अमित शाह के घर का घेराव करने के लिए आज वो मंडी हाउस पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच में मंडी हाउस पर पहले ही सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा रखा है। आपको याद होगा कि बीते 3 दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी के महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के घर के बाहर जाकर के विरोध दर्ज कराया था, हाथों में फूल लेकर, तख्ती पोस्टर्स लेकर, और फौरन पुलिस ने उनको वहां से हिरासत में लेकर के वापस किया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की बेटी जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता है, जिनके नेतृत्व में वो मार्च हुआ था। मगर आज उसके बाद में ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब अमित शाह देश के गृह मंत्री के घर के बाहर जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचना चाह रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया, क्योंकि मंडी हाउस से लेकर के अमित शाह के घर तक ये मार्च निकाला जाना था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस वहां पर तैनात है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, मगर ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर धारा 144 लगी हुई है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अपनी टीम को लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कि हालात अब किसी तरीके से बिगड़ने ना पाएँ और स्थिति सामान्य रहे। और ऐसे में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये मार्च जो कि दिल्ली के मंडी हाउस से अमित शाह के घर तक पहुंचना था।